नमस्कार आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के वासियों को, और मेरा यही संदेश है सभी लोगों के लिए कि योग एक जीवन शैली है, आप इसे निश्चित रूप से अपने जीवन में शामिल करें। कम से कम आधा घंटा अपने ऊपर जरूर आप समय निकालें योग के लिए, और इससे न सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बल्कि ये छोटी मोटी बीमारियां या जिस तरह के अटैक्स होते हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से होते हैं वो स्वतः अपने आप आपसे दूर हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में आपका शरीर सक्षम होगा। इसलिए अगर आप खुद को प्यार करते हैं तो योग को ज़रूर अपनाएं। अभी पूरा देश कोरोना के दौर से गुजरा है सर, कोरोना से लड़ने में योगा का क्या योगदान रहेगा? बहुत, मैंने अभी कहा कि कोरोना हो, कोरोना में भी एक वायरस ही अटैक करता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वायरस के अटैक से ही हमें हमारे ऊपर होता है। तो सीधी बात है कि अगर मेरा बेस ही स्ट्रांग रहेगा, जो कि नॉर्मली हमारा नहीं है, अधिकांश लोगों का नहीं है, हमारा जितना हमारे लंग्स को सांसों की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं उसमें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का 1/40 हम अपने शरीर को दे पाते हैं। तो जब हम योग करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं 3 से 5 मिनट, तो हम 24 घंटे के ऑक्सीजन की सप्लाई अपने लंग्स को देते हैं जो ब्लड के साथ एक एक कोशिका को खुराक के रूप में जाता है। इसीलिए योग बहुत ही आवश्यक है अगर आप अपने शरीर को, अपने मानसिक स्थिति को और शारीरिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको योग को अपनाना ही पड़ेगा। बहुत लोगों का कहना है कि काफ़ी भागदौड़ का लाइफ है, लोगों बस टाइम नहीं बचता है, फिर वो कैसे लोगों को लोग ये टाइम निकाल? आप मुझे ये बताएं कि अगर आप ही नहीं है तो फिर ये भागदौड़, ये दुनिया, ये सारा चीज़, आपका सारा काम रह जाएगा क्या? तो योग आपकी बेसिक, योग आपको अमृत की तरह काम करती है। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आधा घंटा समय तो निकाल सकते हैं, रात में सोते समय तो निकाल सकते हैं, सुबह उठ के तो निकाल सकते हैं, थोड़ी देर पहले उठ जाइए, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं है, आप आधा घंटा अगर गंभीरता से प्लान वे में योग करते हैं, और इसके अलावा आप सोते समय डीप ब्रीदिंग तो कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत अक्षम हैं, आप हॉस्पिटलाइज हैं, आपके का शरीर मूवमेंट के लायक नहीं है, लेकिन भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है जो लगातार काम करता है, और जब तक वो काम करता है तभी तक आप है, वो है आपका सांस लेना। आप लेते लेते गहरी सांस तो ले सकते हैं, अपने सांसों पर ध्यान तो दे सकते हैं, आप शुरुआत इसी से कीजिए ना, आप गहरी सांसों से। आप सोते समय तो जाते हैं सोने ना, तो दिमाग में दुनिया भर की बातें मत लाइए, थोड़ी देर अपने सांसों पर फोकस हो जाइए। आप सांसें कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है, इतना तो कर सकते हैं अपने लिए। आप सिर्फ इतना ही करें और देखिए कमाल कितना परिवर्तन होता है आपके लिए। आज पूरा विश्व योगा का लोहा मार रहा है, जो कि योगा चूँकि इंडियन पद्धति है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये दुनिया अब मान रही है, हमारे परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, रामदेव जी ने तो इस सत्य को लोगों तक पहुंचाया। लोगों को पहले लगता था कि नहीं, योग बहुत कठिन है, ऋषि मुनियों के लिए है, साधुओं के लिए है, बहुत सारे कठिन कठिन आसन करने पर। बिल्कुल नहीं, योग का मतलब होता है कि आप अपने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राणों को आयाम देना, कंट्रोल, टू कंट्रोल योर ब्रीथ। तो आप जब भस्त्रिका करते हैं तो आप इन्हेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, जब आप कपालभाति करते हैं तो आप एक्सहेलेशन करते हैं, और आप अपना जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो प्राकृतिक रूप से करते हैं। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप अपने वात पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं, एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं, और सिर्फ किससे, सांस अलग अलग तरीके से आप लेते हैं, और उससे आप अपने पूरे इंटरनल सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं। तो वही प्राणायाम है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, सांस आप वैसे भी लेते हैं, लेकिन उसी सांस को अगर आप दिशा दे देते हैं, एक धार बना देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और ये हर आदमी के लिए आवश्यक है। आप कितना भी बिजी हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी से, जब आप एक बार बीमार पड़ते हैं तो आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप संपत्ति बेच देते हैं, आपके इलाज के लिए आपके परिवार वाले बेच देते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू।